Hello students, welcome to the video on figures of speech. इस वीडियो में सभी बच्चों का स्वागत है. आज का टॉपिक है figures of speech, मतलब अलंकार. हिंदी पद्य में आपने पढ़ा होगा ना, कविताओं में अलंकार का प्रयोग. इन द सेम वे यू हैव figures of speech इन इंग्लिश, मतलब अलंकार को ही अंग्रेजी में कहते हैं figures of speech. यहाँ पे यूपी बोर्ड के क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए जो फिगर्स ऑफ स्पीच कोर्स में हैं वो ये सातों हैं बच्चों, और इसको ध्यान में सबको रखना है. तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू नो द नेम्स ऑफ द सेवन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच यू हैव इन योर कोर्स. पहला वाला देखिए, सिमिली. दूसरा मेटाफर. तीसरा अपोस्ट्रोफी. चौथा पर्सोनिफिकेशन. फिफ्थ ओनोमेटोपिया. सिक्स ऑक्सीमोरॉन. और सेवेंथ हाइपरबली. तो बच्चों ये सात फिगर ऑफ स्पीच आपको यूपी बोर्ड में क्लास 11 और 12 में पढ़ना है. आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इनके उदाहरण पता होने चाहिए. लेकिन ये सारी चीजें पता होने के पहले आप सबको इसका नाम, उच्चारण और स्पेलिंग आनी चाहिए. तो सबसे पहले ये आप नाम याद कर लीजिए स्पेलिंग के साथ, तब आपको नाम पता चल जाएगा. उसके बाद अगली वीडियो में जब हम बताएंगे तो उसमें हम सभी फिगर्स ऑफ स्पीच का बारी बारी से आपको डेफिनेशन बता देंगे, माने परिभाषा, और उदाहरण एग्जांपल्स के साथ समझा देंगे कि हम किसको सिमिली कहते हैं, किसको मेटाफर कहते हैं, और बाकी सभी फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में भी बताएंगे. तो आज की वीडियो में बस आपको केवल इतना याद रखना है, फिगर्स ऑफ स्पीच माने अलंकार. इंग्लिश में आपको सात हैं कोर्स में, मतलब सात होते नहीं हैं, देर आर मैनी मोर, और भी बहुत होते हैं, पर आपके लिए सात हैं, और ये सातों हैं. इसको आप किसी भी ऑर्डर में याद कर सकते हैं, ये नहीं कि हमने ये लिखा है सिमिली और मेटाफर तो उसी ऑर्डर में याद करें. आपको जैसे आसानी हो वैसे याद कर सकते हैं. वैसे हमने एक ऑर्डर दिया है, इसमें भी आप याद कर सकते हैं. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. दैट्स ऑल. थैंक यू. बाय बाय.